चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ एवरीवन इज़ फाइन, सो वी कैन स्टार्ट, राइट? हम शुरू कर सकते हैं आज का सेशन. ओके, फाइन. तो जैसे कि ये फर्स्ट सेशन है, तो मैं आज पूरा आपका पूरा बेसिक्स से लेकर जाना चाहूँगी, देन वी विल स्विच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, क्योंकि थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना पहले ज़रूरी होता है. तो आज बिकॉज वी आर डीलिंग विथ सेल बायोलॉजी, राइट? सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग अबाउट द सेल, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सेल कैसे बिहेव करता है, ठीक है, सेल का बिहेवियर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, ठीक है, सेल का फंक्शन कैसा होता है, बिहेवियर कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं इन सेल बायोलॉजी. लेकिन इन सब से एक चीज़ और यहाँ पे आती है, दैट इज व्हाट इज सेल. क्योंकि सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं, हम सारी की सारी बातें पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग द सेल, लेकिन वी शुड बी नोइंग व्हाट इज सेल. तो आई थिंक, जहाँ तक मेरा आइडिया है, एवरीवन इज नोइंग कि सेल क्या होता है, क्योंकि आई थिंक ये हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज सेल. तो सेल के लिए हम बड़ा ही अच्छा सा एक सिंपल सा लाइन यूज करते हैं, दैट इज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो कि हम पूरे के पूरे एक लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट बेस पे कंसिडर करते हैं. ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट मानी जाती है लाइफ की, यानी चीज़ों की शुरुआत. कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी सबसे पहले वो सिंपल होगा, तभी जाकर कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी, इनफैक्ट हम पूरे के पूरे जो है सेल से ही बने हुए हैं. तो कोई छोटी सी चीज़ होती है, फिर वो कलेक्ट होकर कुछ मेजर बनाती है, फिर वो मेजर चीज़ें ग्रुप ऑफ मेजर चीज़ें बनाती हैं, राइट? सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे, सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है? तो अगर एक बेसिक की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो सिंपल सी बात है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल. उसके सेल से मिलने के बाद बनता है टिश्यू, यानी टिश्यू के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, राइट? टिश्यू के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल. बहुत से सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, और बहुत से टिश्यू मिलकर, दैट इज ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे ऑर्गेनिज्म. तो वी आर ऑर्गेनिज्म एंड वी आर हैविंग ऑल दिस लेवल. शुरुआत सेल से हुई होगी, फिर टिश्यू में कन्वर्जन, टिश्यू से ऑर्गन में, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में, एंड ऑर्गन सिस्टम से फाइनली ऑर्गेनिज्म में. सो दीज ऑल आर द बेसिक थिंग कि हम सेल किसे कहते हैं और सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है. आप इसको सिंपलेस्ट मान सकते हो, ठीक है? ये सिंपल से शुरू हुआ और ये कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, ठीक है? यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल की, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन इन्होंने डेड सेल को देखा था, फाइन. उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया, दैट इज एंटोनी वैन लुवेनहॉक. इन्होंने लिविंग सेल को विजुअलाइज किया था. तो रॉबर्ट हुक का नाम जाना जाता है डेड सेल को विजुअलाइज करने के लिए. मेनली उन्होंने बार्क, दैट इज जो ट्री का, ओक ट्री का जो बार्क होता है, दैट इज एक, आप कह सकते हो कि जब आप एक ट्री को देखते हो, तो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, दैट इज बार्क, उसमें डेड सेल को उन्होंने विजुअलाइज किया था. लेकिन एंटोनी वैन लुवेनहॉक आए, उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया लिविंग सेल को. तो सेल के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो सेल यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है? यूकैरियोटिक सिस्टम एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सिस्टम, एक बेसिक डिफरेंस इसको स्किन के बीच में आपको देखने को मिलता है. लेकिन वी विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग दिस सिमिलैरिटी कि इन दोनों सेल में, दैट इज यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, डिफरेंस क्या क्या आते हैं, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल में आप मेजर तरीके से एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों ले सकते हो. प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए सेल के ही, कि सेल यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, ठीक है? ओके, तो अगर हम बेसिक हिस्ट्री की बात करें कि अगर सेल का इवोल्यूशन कब हुआ था, तो ये लगभग माना जाता है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. और तो ये वैल्यू इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया आ रहा है, आज से लगभग आई थिंक लास्ट टू लास्ट यानी 2019 में गेट में ये क्वेश्चन आया था कि सेल का इवोल्यूशन कितने साल पहले हुआ था. तो इस टाइप के क्वेश्चन सीएसआईआर तो नहीं पूछता है, लेकिन यस,
गेट जो है इस टाइप के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि कितने साल पहले हुआ था, या इवोल्यूशन के लिए सेल का हम कितना ईयर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिले थे वो थे केमो हेट्रोट्रॉप्स, यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी ऑटोट्रॉप के थ्रू बनाए हुए खाने को कंज्यूम करते हैं और एनर्जी के लिए केमिकल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, मेनली इन द फॉर्म ऑफ अ इनऑर्गेनिक केमिकल बाय डूइंग अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये हो गए केमो हेट्रोट्रॉप्स। डीएनए एंड प्रोटीन जब मिलते हैं तो हम उनके कंपोजिशन को क्रोमोजोम कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जब इवॉल्व हुआ तो उससे हमें, दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया का जो इवोल्यूशन हुआ हम कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया, और फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया जब इवॉल्व हुआ तो हम कहते हैं उसका कन्वर्जन दैट इज क्लोरोप्लास्ट में हो गया। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं एज वेल एज थ्योरी हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलता है जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो। इसलिए मैं पहले बेसिक हिस्ट्री आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ कि जब आप सेल बायोलॉजी को ढंग से पढ़ोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में, दैट इज कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल में क्या क्या कंपोनेंट पाए जा सकते हैं, सो इट विल बी योर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेकअप अप टू 96.5% ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेट। जितना ऑर्गेनिज्म का वेट होता है उसका 96.5% वेट जो होता है इन्हीं सब कंपोनेंट के कारण होता है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, एंड सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फाइन, तो ये कुछ बेसिक्स था रिगार्डिंग दिस सेल। ओके, अब हम आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल के लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, ऐसा नहीं है कि जिन साइंटिस्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ उन्होंने ही ये कहा था, नहीं, इससे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट आए थे, सबका एजम्पशन अलग अलग था, सबके मॉडल्स अलग अलग थे, लेकिन फिलहाल में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज अ सेल थ्योरी। ठीक है, तो इस सेल थ्योरी ने हमें क्या कहा था, The unified cell theory state that all living things are composed of one or more cell. हर एक organism एक या एक से ज़्यादा cell से मिलकर बना है. The cell is a basic unit of life and the new cell arises from the existing cell. तो यही कहा था कि हर एक organism cell से मिलकर बना है और नए cell का formation पुराने cell के वजह से होता है. That is pre-existing cell से new cells बनते हैं. ठीक है, सो स्क्लैडन एंड स्कॉन ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी, बट इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था, दैट इज रडॉल्फ विरको के थ्रू, दैट इज फेमसली स्टेटेड द ओमिनस सेलुला ई सेलुला। तो पहले तो ये दोनों साइंटिस्ट आए, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया, लेकिन सेल थ्योरी में उन्होंने सारा स्टेटमेंट नहीं दिया था, कुछ एक आध स्टेटमेंट लैकिंग थे जिसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया इस साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो इन दोनों की सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करके क्या कह दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। कहने का मतलब क्या है, ऑल सेल्स ओनली अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे के सारे नए सेल पुराने सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो ये अभी फिलहाल में आप कह सकते हो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, इसी को हम लेकर चलते हैं। सो ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, आज के टाइम में हम यही कहते हैं कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। सो वी कैन से कि टोटल 3 एजम्पशंस ऑब्लिक 3 पॉइंट्स या 3 पोस्टुलेट ऐसे हैं जो कि सेल थ्योरी को आप कह सकते हैं कि वैलिडेट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ये सारा का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक या एक सेल से ज़्यादा बने हैं। लास्ट में बोल दिया गया दैट इज सारे के सारे जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। यानी सारी बातों का कंक्लूजन हम इन 3 स्टेटमेंट में लेकर दे सकते हैं रिगार्डिंग द सेल थ्योरी। इन 3 स्टेटमेंट को आप कहते हो दैट मीन्स यू आर डिफाइनिंग द सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी क्या है और वो क्या हमें डिनोट करती है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हां जी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सो एक छोटा सा हम लिस्ट देख लेते हैं रिगार्डिंग द सिमिलरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ऑल्दो इनके बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं, बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेनली सिमिलरिटी की। ठीक है, सिमिलैरिटी की बात करें तो बहुत से बेसिक फीचर्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल शेयर करते हैं, जैसे कि हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी ऑब्वियस दोनों में ही होता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, बिकॉज ये सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है. सेलेक्टिव बैरियर यानी ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ अवेलेबल होगी उसको जो है सेल के अंदर एंट्री दे देगा, नहीं, सेलेक्टिवली एंट्री देगा. जिसके पास प्रॉपर्टी होगी सेल के अंदर एंटर करने की, सिर्फ उसी को एंट्री देगा. ठीक है. साइटोसॉल दोनों में प्रेजेंट होता है, दैट इज इनसाइड ऑल सेल इज अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोसॉल इन विच द सब सेलुलर कंपोनेंट आर सस्पेंडेड, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम. वेरी ऑब्वियस, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सिस्टम दोनों के पास ही क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि मैक्सिमम जीन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सिमिलैरिटी लेकर आती है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, कि दोनों के पास ही राइबोसोम होता है, और ये राइबोसोम का मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में. फाइन. तो ये सारा का सारा बेसिक्स हो गया रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटी बताई है, डिफरेंसेस नहीं. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसिक्स एक आइडिया मिल गया आपको, क्या सेल थ्योरी आई, सेल का मतलब क्या होता है. अब बात ये आती है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक आपके सामने सेल बनाती हूँ. ठीक है. इफ इट इज अ एनिमल सेल, अगर ये हम नॉर्मली एनिमल सेल को लेके ही मैक्सिमम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. एनिमल सेल की बात करते हैं, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, ये सारे नाम से हम इनको जान सकते हैं. तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड बिलीव मी, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे CSIR हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे DBT हो, चाहे आपका ICER हो. ये एक एरिया ऐसा है जहाँ से कभी, सॉरी, ICMR हो, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, दैट इज व्हाट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका मेन नेचर क्या होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म दी बैरियर. बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट करना, राइट. बैरियर दैट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट, दस डिफाइनिंग अ सेल फिजिकल एंड केमिकल बाउंड्री. अब आप खुद सोचिए, ये क्या है, ये जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है सेल का, इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया सेल का, दैट इज एक्सटीरियर एनवायरनमेंट. एग्री, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट हो गया, और ये वाला हो गया इंटीरियर. इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये अंदर वाला पोर्शन क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है, राइट, और बाहर वाला एक्सटीरियर है. तो साइटोप्लाज्म और एक्सटीरियर एरिया के बीच में बैरियर का काम कौन कर रहा है, रुकावट का काम कौन कर रहा है, ये पर्टिकुलर लेयर, राइट, ये एक पर्टिकुलर लेयर है जो कि इनके बीच में बैरियर बना रही है. इसी पर्टिकुलर बैरियर को हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. सो बोथ ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन, बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ बाइलेयर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड इन विच अदर लिपिड्स एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन आर एम्बेडेड. तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सिर्फ सेल का ही जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, बट ऐसा नहीं है. जो आपके ऑर्गेनलीज हैं, चाहे वो ER हो सकता है, गोल्जी हो सकता है, एज वेल एज आप माइटोकॉन्ड्रिया ले सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनली हैं उनका जो दैट इज उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, उनका सिमिलर नेचर होता है जैसा नेचर होता है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल का ही आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑर्गेनली का मेम्ब्रेन भी जो होता है उसका भी सेम नेचर होता है. जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होगा दैट इज ऑल्सो वॉट, उसका भी कुछ एकाद नेचर जो होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इधर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है. यानी कैसा नेचर, दैट इज लिपिड बाई लेयर, यानी लिपिड के दो लेयर पाए जाएंगे, राइट. यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हम देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, कि लिपिड बाई लेयर होता है. यानी अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम कुछ ऐसे बना रहे होते हैं, ये रहा हेड ग्रुप, ये रहा टेल ग्रुप, फिर एक और टेल ग्रुप, ये हेड ग्रुप, ऐसे ही तो बनाते हैं. तो ये क्या हो रखा है, दो लेयर है, एक लेयर ये वाला हो गया, एक लेयर ये वाला हो गया, तो हो गया ना बाई लेयर, दो लेयर हो गए, राइट. तो यही लिपिड बाई लेयर जो होता है, इससे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना होता है और ऑर्गेनलीज का भी, चाहे वो ऑर्गेनलीज कोई भी हो. तो बात ये आती है, ये जो बाइलेयर होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं लिपिड्स,
ठीक है, लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स में भी कौन से लिपिड, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, यानी ऐसे लिपिड्स जिनके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा और कोई एक और स्पेसिफिक ग्रुप होगा जो उनको पूरा का पूरा आइडेंटिटी देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एक नया टर्म आया आपके पास, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स में खुद ही लिपिड्स आ रखा है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो इसका कंपोजिशन कैसे वैरी करेगा, इसमें फॉस्फोलिपिड्स पाए जाएंगे, फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे और भी लिपिड्स हो सकते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन से बाउंड हो सकते हैं एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट से भी बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके साथ हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी देखने को मिलता है। यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सी चीजों का कंपोजिशन होता है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि जो भी चीज सेल में आसानी तरीके से एंटर नहीं करती है उसको एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले अलग अलग चैनल प्रोटीन्स, यही सब चीज़ें होती हैं जो एक्सटीरियर एरिया से उस चीज़ को सेल के अंदर भेजती है। यानी सारा का सारा जितना भी एक मेन फंक्शन होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो करते हैं। उनका नेचर जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर, वही मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ से हमें ये तो मालूम हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। सो वी कैन से दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अ लिपिड एंड प्रोटीन दैट गिव द सेलुलर मेम्ब्रेन देयर डिस्टिंक्टिव परमियबिलिटी क्वालिटी एज वेल एज बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली तरीके से परमियबलाइज हो जाते हैं, यानी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके पीछे भी रीज़न क्या है, उसके पीछे भी रीज़न नेचर ही है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर, जिसमें कि वो लिपिड एज वेल एज प्रोटीन दोनों के कंपोजिशन से मिलकर बना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी कितने नाम है, दैट इज इसको हम बायो मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये था एक बेसिक रिगार्डिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि नेचर कैसा होता है और इसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फीचर्स आपको ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एग्जैक्ट नेचर होता है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सेल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये एक सेल है, ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होके रखा है, जिसे हम कहते हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली यानी कुछ कुछ चीज़ों को सेलेक्टिवली अंदर की तरफ अलाउ करेगा, कुछ चीज़ों को नहीं करेगा, ठीक है, सेलेक्ट करके अलाउ करेगा जिसका नेचर जैसा होगा। इसके पास इलास्टिसिटी होता है, ये इम्पॉमिएबल बैरियर है टू द पैसेज ऑफ मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और मैक्सिमम टाइम ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता है, क्योंकि इसके नाम में ही इसका नेचर छुपा है, लिपिड बाई लेयर। लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि वाटर हीटिंग होते हैं, ठीक है, वाटर हीटिंग के आपने अभी खुद देखा कि ये फॉस्फोलिपिड्स से बना हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड्स के पास भी दो टाइप का नेचर होता है। फॉस्फोलिपिड्स के पास एक ऐसा पोर्शन होता है जो वाटर लविंग होता है और एक ऐसा पोर्शन होता है जो वाटर हीटिंग होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को सेल के अंदर डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलती है। कुछिका पास जरूर कर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल दे कांट जस्ट क्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को अंदर अलाउ नहीं करने देता है। अगर हम इसके स्टेट की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक होता है, यानी उसमें मूवमेंट देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक होके पड़ा रहेगा, नहीं, उसके फॉस्फोलिपिड्स फ्लक्चुएट होते हैं, अपने पोजीशन चेंज करते हैं। इनफैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाला प्रोटीन भी अपना पोजीशन चेंज करता है। वी आर हैविंग अ लाइक एम्पल नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जिसमें कि ये चीज़ें प्रूव की गई हैं कि प्रोटीन का भी नेचर कैसा होता है, स्टैटिक नहीं होता है, ना ही लिपिड का नेचर स्टैटिक होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसके लिए वर्ड यूज़ किया है डायनामिक, जो कि चेंज होता रहता है। इसका फ्लूइड स्ट्रक्चर है,
एंड मोस्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल मूव इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल उसी प्लेन में मूव करते हैं जिस प्लेन में उनको डेजिग्नेट किया गया है. कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन इंसर्टेड इनटू द लिपिड बाई लेयर, लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट का माइनर अमाउंट होता है. माइनर अमाउंट कहने का मतलब क्या हुआ, लगभग 5% आप मान सकते हैं, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है. मेजर तरीके से लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. जो लिपिड बाई लेयर का लाइक मॉडल था, इसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, और इसे दिया था दैट इज जॉनथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन, ठीक है. तो हम सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी इसको कहते हैं. तो यू कैन सी, मेरे पास एक और पिक्चर होगा आई गेस, यस ये देखिए, यहाँ पे पिक्चर है. इसमें बहुत सी बातें दी गई हैं और बहुत क्लियर तरीके से आपको दिखाया गया है कि इनका नेचर कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. मैं आप एक बार मेंशन कर देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, यही हमने पढ़ा है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट कभी भी जो है अकेला पाया हुआ नहीं दिखा जाता है, या तो ये किसके साथ मिला रहता है, या तो ये प्रोटीन के साथ मिला रहेगा. कोई मुझे बताएगा अगर कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिक्स कर दिया जाए, या फिर आप कह सकते हो उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? एनीवन, यस एनीवन, बताइए मुझे. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अगर हम मिक्स करते हैं तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है ये, ठीक है. इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन, वेरी गुड. और अगर इसी कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर हम लिपिड के साथ कर दे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड. तो कार्बोहाइड्रेट अकेले कभी नहीं देखा जाता है, वो या तो मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन की तरह प्रेजेंट रहता है, या तो ग्लाइकोलिपिड्स की तरह प्रेजेंट रहता है, ठीक है. अकेला नहीं देखा जाएगा क्योंकि अकेले इसका कोई काम नहीं होता है. ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के साथ मिलकर ये अपना पर्टिकुलर नेचर दिखाता है, यस. तो हमने कहा फॉस्फोलिपिड होता है, यानी लिपिड विद फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. अब ये प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मली प्रोटीन्स रह सकते हैं, डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इसको इस पर फोकस करते हैं, सी दिस, ये है ग्लाइकोलिपिड. क्यों? क्योंकि ये लिपिड मॉलिक्यूल है, देखिए ये सब लिपिड मॉलिक्यूल है. इसके ऊपर ये इतना शुगर ग्रुप लगा हुआ है, हेक्सोस फॉर्म में दिख रहा है, शुगर ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको बोल दिया ग्लाइकोलिपिड, ठीक है. इट्स अ ग्लाइकोलिपिड. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज यस, एक प्रोटीन देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप ये वाला प्रोटीन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दैट इज दी पेरिफेरल प्रोटीन. यानी हमने क्या कहा, प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अब प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है तो प्रोटीन अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज ये पेरिफेरल एरिया में हो सकता है, ये इंटीग्रल एरिया में हो सकता है, या फिर ये लिपिड लिंक हो सकता है. पेरिफेरल एरिया में होने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रही हूँ तो ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला है दैट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन, या तो साइटोसोलिक साइड में रहेगा या तो नॉन साइटोसोलिक साइड में रहेगा, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, दिस इज अ लिपिड बाई लेयर, ठीक है, ये लिपिड बाई लेयर है, अंदर वाला ये वाला पोर्शन है. मान लेते हैं ये वाला एरिया ये सेल के अंदर वाला एरिया है, तो अगर कोई प्रोटीन यहाँ पाया जा रहा है या यहाँ पाया जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, यानी पेरिफेरल एरिया पे है, किनारे वाले एरिया पे है. लेकिन अगर कोई प्रोटीन इस लिपिड बाई लेयर को स्पैन करके रखा है ऐसे करके, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन कहाँ है, लिपिड बाई लेयर में एम्बेड होके रखा है, स्पैन करके रखा है, दैट विल बी अ इंटीग्रल प्रोटीन. इंटीग्रल अंदर की तरफ इंटीग्रेटेड होके रखा है. पेरी का मतलब क्या होता है? किनारे वाला एरिया. पेरिफेरल यानी किनारे पे पाया जाने वाला प्रोटीन. अब ये प्रोटीन जो है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, या तो ये नॉन साइटोसोलिक हो सकता है,
यानी सेल के बाहर प्रेजेंट है या तो सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है जहाँ पे साइटोसोल हो सकता है। जैसे कि ये प्रोटीन अगर इसको हम इनसाइड एरिया कंसीडर करते हैं तो इसको क्या बोलोगे आप, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये कैसा प्रोटीन है, साइटोसोलिक है या नॉन साइटोसोलिक है? एवरीवन, ये साइटोसोलिक है या नॉन साइटोसोलिक है? ये ग्रीन वाला जिसको कि मैं फोकस कर रही हूँ, ये क्या है, ये कौन सा कहलाएगा? इनसाइड एरिया में है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दैट इज साइटोसोलिक। ठीक है, साइटोसोलिक कहलाएगा। और अगर मैं एक और प्रोटीन को इधर बना देती हूँ, पेरिफेरल प्रोटीन को, तो ये क्या कहलाएगा, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड वाला एरिया है, देखिए ये, ठीक है, ये आउटसाइड वाला एरिया है और मैंने एक यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि इनसाइड यानी सेल के अंदर वाला एरिया यानी ये साइटोसोल है, तो साइटोसोल एरिया में साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन होगा, आउटसाइड एरिया यानी नॉन साइटोसोलिक एरिया तो हम वहाँ पे नॉन साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन को देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई पेरिफेरल प्रोटीन की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, तो अभी मैंने बताया, देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करते हुए गुजरते हैं, तो ऐसा प्रोटीन देखिए ये वाला प्रोटीन है, देख रहे हैं आप, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, फाइन, इंटीग्रल प्रोटीन है, इसका एक एंड यहाँ साइटोसोलिक एरिया में है, दूसरा कहाँ है, दूसरा नॉन साइटोसोलिक एरिया में, यानी एक पोर्शन साइटोसोलिक एरिया में, दूसरा पोर्शन एक पोर्शन यहाँ पे नॉन साइटोसोलिक एरिया में, एक पोर्शन साइटोसोलिक एरिया में, और कुछ पोर्शन कहाँ है, लिपिड बाई लेयर के बीचों बीच स्पैन होके रखा है, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पे जो सेगमेंट होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। ऑब्लिक एडिशन आप कह सकते हो, ठीक है, यस। तो इस तरीके से ये हो गया आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन में भी क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो यानी प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड होना चाहिए, तो देखिए इसी इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर दिया गया है, तो अब ये प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन तो है लेकिन स्पेसिफिकली बोले तो कैसा है, क्योंकि इस पे तो शुगर मॉइटी ऐड हो चुकी है, तो हम इसको अब ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा नेचर हो गया। सिमिलर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉल भी होता है, मेनली एनिमल की हम बात करें तो स्टीरॉल का फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, देखिए येलो येलो कलर वाला दैट इज ऑल आर कोलेस्ट्रॉल। सारी बातें हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी कोलेस्ट्रॉल की कैसे काम करता है, क्या होता है, आज तो हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, ऑल आर कोलेस्ट्रॉल। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए जरा, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है लिपिड बाइलेयर, और ये जो एक एक मैं बना रही हूँ दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, अगर फॉस्फोलिपिड आप ऐसे बनाते हो, सपोज यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, तो फॉस्फोलिपिड का ये हेड माना जाता है, ये टेल माना जाता है, राइट। तो फॉस्फोलिपिड ये कहलाता है, हेड एरिया क्या होता है, हेड एरिया वाटर लविंग होता है, और टेल एरिया दैट इज हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, जी यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी बताइए, क्लियर हुआ ये सारा का सारा पोर्शन सभी को? ओके, तो व्हाट वी कैन डू गाइस, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, कल नहीं है, परसों है मेरी क्लास, ठीक है, दैट इज वीक में 3 दिन होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, लिख लीजिए आप यहाँ पे टाइमिंग अपने पास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी, तो मैं अब आपको वेडनेसडे को मिलूंगी और हम इसी स्लाइड से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ एन आवर का मेरे पास टाइमिंग था, उतने में मैं इतना ही कवर कर पाई, इसी स्लाइड से हम कवर करेंगे, जितनी बातें मैंने यहाँ पे लिख के बताई है सबको मैं छोटा करके 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर दूंगी, एंड देन वी विल मूव टू द फॉस्फोलिपिड कैरेक्टराइजेशन, फॉस्फोलिपिड को और कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज मैंने जितनी भी बातें समझाई हैं आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि वॉट इज दैट, यस,
ओके ग्रेट, चलिए जानकर खुशी हुई, काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल रहा। तो हम मिलते हैं आपसे वेडनेसडे को, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए मैं गुड न्यूज़ दे देती हूँ, जस्ट हाफ एन आवर बाद दैट इज़ 3 PM से योर टू एजुकेटर दैट विल बी इन अ सिंगल फ्रेम ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। और जो आज का हमारा सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है, बिकॉज वो हमने आपके मूड को इनलाइट करने के लिए रखा है, दैट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर सेशन। आप चाहें तो आप हमें अटेंड कर सकते हैं, इससे पहले भी एक क्लास हमने रखी थी, तो आज है 3 PM पे, और आप चाहें तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे आप जाके मेरी प्रोफाइल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट प्लस में अटेंड करने में मुझे इंटरेस्टेड हो, वो मेरा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे सारे के सारे बैच कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। एंड फॉर डूइंग दैट इवन यू कैन अवेल डिस्काउंट ऑफ 10% बाई आइदर यूजिंग दिस रेफरल कोड और दिस रेफरल कोड, आइदर ज्योति डैश कुमारी और ज्योति, ये रेफरल कोड यूज़ करके आप अपने आप अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। यस, 3 बजे वाली क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगी गाइस। सी दिस, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यानी आपके मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना ज़रूरी है, उसके बाद आप हमें अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। सफलता शर्मा, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 8 सेशन है, जितना 8 सेशन में कंप्लीट हो पाएगा हम उतना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 बजे वाली गाइस, ये 3 बजे वाली क्लास यू कैन सी मैंने लिखा है यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, यानी जो ऐप होता है आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आपसे आधे घंटे में, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो हमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए।